ध्यान सिंह जी मैम साहब। साहब कहाँ है? कमाल करती हो मैम साहब, वो भी तो आप ही को ढूंढ रहे होंगे। पर कहाँ, न यहाँ है न वहाँ है न बेडरूम में है। बेडरूम में साहब थे ही कब, सारा काम तो भारी हो रहा था। ज्यादा बातें मत करो, जाकर देखो साहब कहाँ है। शाम होने को आई, आखिर राहुल गया कहाँ? ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? राहुल, मुझे लगा राहुल शायद यहाँ आया होगा। राहुल? कौन राहुल? मेरे पति। तुम्हारा पति सड़क पे क्या करने आएगा? वो जब भी परेशान होते हैं यहाँ आते हैं। 12 साल पहले यही इसी सड़क पर उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। 12 साल पहले? क्या बात करती हो, इस सड़क को बने तो सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2 साल? ऐसा कैसे हो सकता है? कब हुई थी तेरी शादी? 7 दिन पहले। कहाँ हुई थी? यहाँ इसी रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस? हाँ। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है, यहाँ नेता आकर ठहरते हैं, और वैसे भी ये 2 महीने से रिनोवेशन के लिए बंद है। तुम ठहरी कहाँ हो? ऊपर हिमगिरी बंगले में। ध्यान सिंह मैनेजर के यहाँ? हाँ। ठीक है, तुम घर जाकर देखो वो लड़का वापस आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो तुम ध्यान सिंह को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। ध्यान सिंह, ध्यान सिंह, साहब आ गए? लगता है साहब जी चले गए, उनका सामान भी नहीं है, वो जीप भी वापस कर गए। वैसे भी ये बंगला उन्होंने आज तक ही किराए पे लिया था, 700 रुपए रोजाना। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, हमने आपका सामान भी पैक कर दिया है, आप चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं है ना। राहुल तो कहता था ये बंगला उसका है। क्या बात करती है मैम साहब जी, अरे बंगले के मालिक तो चड्डा साहब जी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता मेम साहब जी, हम इधर 5 साल से नौकरी करता है, इधर ऐसा ही छोकरा लोग छोकरी लेके आता है और डिंग डॉग करता है और चला जाता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। और मेम साहब जी, हम इधर नौकरी करता है, जासूसी नहीं, और वैसे भी टिप तो हमको साहब जी देते थे, आपने तो कभी खोटी अठन्नी भी नहीं दी, उल्टे हिसाब का बाकी पैसा गिन गिन के वापस लेता था। मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ? हेलो। हेलो पिंकी, पिंकी मैं पिया बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ बहन। दीदी क्या बात है, आपने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? राहुल तुमसे मिलने यहाँ आया है दीदी, तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या, राहुल वहाँ आया है? हाँ दीदी, अभी 1 घंटे पहले ही आया है। तू उसे वहीं रोक, मैं अभी आती हूँ। दीदी कितनी देर कर दी, ये क्या आपकी मांग में सिंदूर? तुम्हें राहुल ने बताया नहीं, हमने शादी कर ली है। राहुल कहाँ? हाय पिया, आई एम राहुल, राहुल खन्ना, तुम्हारा नेट फ्रेंड। तुम राहुल कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं बेबी डॉल, अरे मैं ही राहुल हूँ, तुमसे चैट करता था, कहा था ना कि रिजल्ट के बाद हरिद्वार आऊंगा, तो आ गया। अगर तुम राहुल हो तो वो कौन था, वो जिसे राहुल समझकर मैंने शादी की थी, वो जिसके साथ मैं हनीमून मनाकर आ रही हूँ? हाँ यही तो वो पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी में उसकी तस्वीर छपी थी। नहीं पिया, इसमें उसकी कोई तस्वीर नहीं है, शायद उसने अखबार की एक ही कॉपी छपवाई थी किसी प्राइवेट प्रेस से। और मैंने अखबार की तस्वीर देखकर ये यकीन कर लिया कि वही राहुल है, ना कुछ पूछा ना सोचा। दीदी गंगा माँ सब ठीक कर देंगी, तुम चिंता मत करो। पिया सारा खेल खेल के अपना मुंह काला करने के बाद तू यहाँ वापस क्यों आई है? ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं गंगा की बेटी हूँ, यही पली बड़ी हूँ, अपने घर आई हूँ मैं। पर आई कैसे, सब कुछ लुटा कर, ये मेडल जैसा मंगलसूत्र गहने में पहन कर आई है? आप अपना काम कीजिए, आप होते कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? अरे इसकी हिम्मत तो देखो, कुकर्म करके आई है और हमें आंखें दिखा रही है, बेहया हो गई है साली वेश्या। मैंने उसकी एक एक बात याद की,
उसके सारे कपड़े रेडीमेड थे, पर एक शर्ट पे कोलकाता के किसी टेलर का लेबल लगा था, कोलकाता। वो कभी कभी कोलकाता शहर की बात करता था। फिर मुझे एक बात याद आई। एक बार हम साथ में एक इंग्लिश फिल्म देख रहे थे, उसमें एक ओपन लाल रंग की BMW कार थी, जिसे देखकर उसने कहा था कि वैसे ही कार उसके पास भी है, लाल रंग की BMW स्पोर्ट्स कार। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। पिया, मैं जरूर आऊंगी, कोर्ट में आकर सारा सच बताऊंगी। थैंक यू नुपुर। नुपुर, हाँ? तुम गवाही देने कोलकाता जाओगी? पागल हो गए हो तुम? किसी और के प्रॉब्लम से हमें क्या लेना? अगली बार पिया का फोन आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। हे भोलेनाथ, ये एक औरत के जीवन का सबसे कीमती गहना है। हर औरत यही चाहती है कि ये गहना उसकी सांसों के साथ ही जाए। वो तो मर्द है, उसने इसकी कीमत नहीं समझी, पर मैं एक औरत हूँ, इसका मान जानती हूँ। मैं इसे फेंक नहीं सकती, इसका अपमान नहीं कर सकती, इसलिए इसको मैं आपके चरणों में चढ़ाने आई हूँ। अब मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए शक्ति देना भगवान, मुझे शक्ति देना। ये तो BMW एल्जो है, इस मॉडल की कार तो सिर्फ एक ही के पास है। देखिए, हमें अपने एड फिल्म की शूटिंग के लिए इस कार की बहुत जरूरत है। देखिए, मुझे मसूरी में एक लड़का मिला था, उसने कहा था उसके पास इसी मॉडल की एक कार है। आप जरा इंक्वायरी करके देखिए, मुझे लगता है उसके पास ऐसी एक कार है। देन आई एम श्योर आपने ये कार मिस्टर आदित्य चौधरी के पास देखी होगी। ये मॉडल की कार बस उन्हीं के पास है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं है, लंदन में है। आदित्य चौधरी, वैसे क्या उनका पता आप मुझे दे सकती हैं? सॉरी मैम, किसी कस्टमर का एड्रेस देना हमारी पॉलिसी में नहीं है। आदित्य चौधरी, इससे पहले उसका क्या ठिकाना था? पूरा बायोडाटा बता दूंगा। लेकिन पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? बस 1,000। हमारी लिस्ट में तो 4 आदित्य चौधरी हैं। आप खुद सर्च करके देख लीजिए आप पूरा बायोडाटा। आज पुलिस स्टेशन में मेरा उससे सामना होने वाला है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, आज मुझे इंसाफ मिलेगा। डायरी पढ़ ली मैंने, अब वो लड़की कैसी है? उसे होश आ गया, अब खतरे से बाहर है। अच्छा, मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम तो यहां लड़ने आई थी, फिर तुमने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आई और हावड़ा ब्रिज के सामने बैठ गई। वहां बैठे बैठे यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। और उसी वक्त, हाय बेबी डॉल। तुम रोते हुए
बहुत ही खूबसूरत लगती हो बेबी डॉल। तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे साथ यहीं पर सुहागरात मना लो। फिर से एक बार। इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे राहुल बनकर धोखा दिया। यस बेबी डॉल, मैं ही, ये आदित्य चौधरी ही तुम्हारा राहुल है। मैं अपने दोस्तों के साथ मसूरी आया था, वहां तुम्हें देखकर दिल मचल गया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया कि मैं तुम्हें करोड़ों भी देता तो भी बगैर शादी के तुम मेरे हाथ नहीं आती। अब तुम तो ठहरी टिपिकल भारतीय नारी, जान तो दे सकती हो लेकिन अपनी इज्जत नहीं दे सकती ना। पैसे देने पर भी तुम मुझे नहीं मिलती। तभी एक दिन अपनी फ्रेंड नूपुर के साथ कैफे में बैठकर नूपुर के साथ डिस्कस कर रही थी अपने उस नेट फ्रेंड राहुल के बारे में, उस राहुल के बारे में जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं था। मगर अपनी लव स्टोरी में एक प्रॉब्लम था ना, अगर तुमसे राहुल बनकर नहीं मिलता तो तुम्हें कैसे फांसता। फिर मैंने तुमसे झूठी शादी रचा ली 10 रुपए का सिंदूर तुम्हारी मांग में भरकर, और फिर तुमने मुझे वो मजा दिया जो कोई इंटरनेशनल कॉल गर्ल भी नहीं दे सकती, वो कोई हाई क्लास वेश्या भी नहीं दे सकती थी। एवरीथिंग फ्री, 7 दिन बाद गेम ओवर। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हरिद्वार की एक भोली भाली लड़की मुझे खोजते हुए कोलकाता तक भी पहुंच जाएगी। अब दफा हो जाओ यहां से। तू समझती क्या है अपने आप को, हाँ? कि आदित्य साहब को अंदर कर दूंगा? अरे पगली, तुम जैसी गरीब लड़कियां अमीरों के हाथों का खिलौना होती है, खिलौना। मेरी बात ध्यान से सुन, जहां से आई है तू वहीं लौट जा, नहीं तो बीच रास्ते पर ही यहाँ के गुंडों से तेरा बलात्कार करवा दूंगा, हाँ, और फिर धंधा करने के इल्जाम में लॉकअप में डाल दूंगा। साली, 2 टके की लौंडिया आदित्य बाबू से टक्कर लेने चली थी, चल भाग यहां से।